बदल रही है। कंप्यूटर के अनुसार यह तरक्की की तरफ ही आगे बढ़ा आ रहा था। यहाँ तक हमने देखा, अब आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? मन में क्वेश्चन होता है कि कहीं ये अंतरिक्ष का यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह, संदेह यानी शक। यहाँ पे हम कठिन शब्द भी देखते जाएंगे। छोटू के पापा
जो शबा फुराई गई है वहां पे भाषण दे रहे थे। हाल ही में जानकारी मिली है कि अंतरिक्ष यान जो है वो मंगल ग्रह के तरफ ही आगे बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान जो है वो हमारे ही यानी कि हमारे आसपास ही चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्षयान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। सुनिश्चित यानी सोच विचार कर तय की गई योजना। सुनिश्चित यानी क्या, सुनिश्चित यानी सोच विचार कर कोई भी योजना बनाई जाती है उसे सुनिश्चित कहा जाता है। नंबर एक आपका क्या क्या ख्याल है, नंबर एक यहाँ अनुक्रम नंबर दिए गए हैं 1, 2 और 3। तो नंबर एक ये जो कमेटी बनाई है, कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, उनमें नंबर एक के सभ्य, नंबर दो के सभ्य, नंबर तीन के सभ्य है। तो इनसे पूछा जाता है नंबर एक को कि आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को झुलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अब जब नंबर एक को पूछते हैं आपका क्या ख्याल है, तो नंबर एक के सदस्य जो है वो जवाब दे रहे हैं कि कॉलोनी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो नंबर एक पे थी। उन्होंने कुछ कागज को समेटते हुए कहा कि ये अंतरिक्ष यान को हम चला कर खाक कर देने की क्षमता रख सकते हैं, पर इससे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूत कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें भी बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। नंबर एक वाले क्या कह रहे हैं कि इस यान को हम खाक कर देने की क्षमता रखते हैं, पर इससे हमें ऐसा कर देते हैं तो इसमें हमें कोई जानकारी याद नहीं होगी। और यदि ये धरती पर खुद ब खुद उतरता है तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। और जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में स्त्री यंत्र है, इसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। क्या कह रहे हैं, जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है और इसमें कोई जीव या सवार नहीं है, यानी कि सवार यानी कि आसीन। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना
जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसमें वे लाभ उठा सके। गलत फहमी किसे कहेंगे? तो गलत फहमी यानी कि किसी भी चीज के बारे में गलत जानकारी हो उसे गलत फहमी कहते हैं। नहीं था।
बटन है वो छोटू को अपनी ओर खींच रहा था और उसके मन में इच्छा हुई और लाल बटन दबाने की इच्छा हुई और वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने बटन दबाया खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ ग्रसित कर दिया। झापड़ ग्रसित करना एक उनके वो मुहावरा है। जैसे ही छोटू ने वो लाल बटन दबाया कि एक खतरे की ठंडी जो है वो बज उठती है। सबकी निगाहें कौनसी पहन पे और मुड़ जाती है। पापा ने जल्दी से छोटू को अपनी ओर खींच लिया और जोर से एक झापट प्रसिद्ध किया है कि जोर से तमाचा चढ़ दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में मिला रखा और लाल बटन जैसे पहले स्थिति में था वैसे ही उसी स्थिति में वापस कर दिया। मगर उस तरफ और अंतिम ज्ञान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र जो थे वो बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि इसे अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक भाग बेकार हो गया है। Yeah.